कलकत्ते वाली दिल्ली वाली कल का है खड़िया मासी पूछ ले चल नाम बोल कविता बाप का नाम हमारी माँ का नाम बोल विद्या बाबू कुल देवी कौन ज्वाला ज्वाला माँ है पति का नाम बोल लीजिए ज्वाला माँ को भोग वगैरह लग रहा है कौन लगाता है मैं ही लगाती हूँ मंगल शनिवार मंगल शनिवार क्या लगा रहे दूध पेड़ का तो ज्वाला का लगता है हाँ महाकाल का तो खान का कभी पेड़ का बीच में अभी चालीसा भी रखा था मैंने करती हूँ कुछ गलती हुई है दोनों देवियों के बीच में क्योंकि ज्वाला माँ ने दर्शन नहीं दिए हैं उस समय है ये भोग वगैरह नहीं ले रही है कलकत्ते वाली बिल्कुल खड़ी हो रही है पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ काम मेरे को बन ही नहीं रहा कितने साल हो गए हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा भटका लगा के कभी इधर कहीं भाग भागती हूँ कुछ समझ नहीं आता कहीं भी जा तो निराश होकर किसी को गुरु बनाया कभी तो बना हुआ है मेरे आज इतने साल हो गए हैं लेकिन गुरु ने कभी कुछ बताया गुरु खंडित दिख रहा है तभी पूछ रहे हैं ज्वाला माँ ने दर्शन नहीं दिए हैं गुरु आप खंडित हैं ठीक है खड़ी हुई सिर्फ वही दिख रही है जिसके ऊपर आपने पूरा ध्यान लगा रखा है कि जब से इसको मान रही हूँ इसने जहाँ भी जाओ चौकी पे भी पूछा लेती हूँ कहीं भी जाती हूँ हर जगह से भटका रही है पैसे से भटका देती है आता है तो यूं उड़ जाता है और ना गुरु की वजह से कुछ समझ में आ रहा है इसने क्या करा है क्या नहीं करा है गुरु का हाथ भी नहीं आ रहा है आपके ऊपर गुरु खंडित है ज्वाला माँ का कुछ नहीं लग रहा है और जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा शक करके बैठे हो वही हर जगह से खड़ी होकर बचा रही बाबू 3 साल आ रहे हैं कुछ ज्यादा तब से परेशानी आ रही है ये किसी ने कुछ क्रिया करी हुई है तब वो अपने पूरे अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ी हुई है नहीं तो ये शांति उसमें चली हुई थी बैठी हुई थी आराम से तब इसने खड़ी हुई है आगे तब ये सारे पीछे हो गए हैं किसी ने कुछ क्रिया फेंकर की आदमी का नाम बोलना आदमी के ऊपर आ रही है दीजिए ये आदमी के ऊपर ज्यादा खड़ी हुई है कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ तो कुछ क्या काम करते हैं तो पेंटर है होटल में गुड़गांव में फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था फैमिली में हुआ था आई थिंक साल हुआ था ना तब से ही खड़ी हो रखी है वो 3 साल आ रहे हैं और ये लड़ाई बाद में हुई लड़ाई भी है माँ ने ही करवाई है और बोलते ताकि तुझे पता लग जाए ताकि तुझे पता लग जाए कि क्रिया फेंकी थी किसी ने तुझे सपने में भी मैंने बता रहा है कितनी बार बताया तेरे को लेकिन तूने भरोसा नहीं करा सोच रही कि बस बैठ के ना भोग लेती हूँ तेरा माँ तो मैं तो तुझे दिन रात अगर मंदिर में ना बैठी तेरा भोग लेती रहूंगी तो तुझे बचाएगा कौन मेरे भक्ति के पुत्र भी क्रिया फेंकी गई थी खानदान वालों ने जब से तुमने मेरी भक्ति उठाई है तब से पूरा खानदान जल गया बोल हाँ मानी तो सच्ची है बोल साचे दरबार की जगह जगह पूछती है पहले बता दो तुझे मैं बताती हूँ तुझे वहाँ भरोसा नहीं और क्या होगा हाँ मैं तो पहली बार पूछ रही हूँ लेकिन मेरे गुरु ने भी कुछ नहीं बताया मैं क्या करूँ बताओ छल करा है उसने मुझे तो इतने साल हो गए पूजा पाठ कोई सी मैंने पूजा पाठ नहीं छोड़ी सब करी हुई है बताया क्या उसने तुझे कोई उपाय बताया उतारे बताया क्या बताया तुझे कुछ भी नहीं बताया फिर उसे मैंने 4 साल पहले मेरे नाम के कोई साधन करवाई है कभी कुछ मेरे नाम का कुछ चोले वगैरह चढ़वा दिए उसने कुछ नहीं कराया फिर अपने मन से तुझे जितने ज्ञान था तू उस हिसाब से मुझे भोग दे रही है इसी पे खड़ी हो गई मैं उसके बाद तू कह रही है कि पहले पूछूंगी
हैं, यहाँ पे पूछ लेती हूँ, वहाँ पे पूछ लेती हूँ, माँ इतनी बता रही है, यही नहीं करनी है, इसको तो मैं सब दे रही हूँ। तो मैं बहुत कुछ रही है पर तुझे कभी दिखाई नहीं। सपने में भी दर्शन देती बहुत काल का माए की, कलकत्ता वाली का घाट वाली का। मेरा दिक्कत चल रही है, बस